इस कुंड में हमेशा गर्म पानी रहता है, आप और बाकी जगह कहीं भी पानी को छुएंगे तो ठंडा नजर आएगा। किंवदंती है इस कुंड की। कोई भी गाड़ी वाले, इतनी गाड़ी खड़ी है, कोई भी हानि कर रहा है गौरी कुंड के लिए, और सब सो भी रहे हैं। कुछ लोग जगह में वो भी हानि कर रहे हैं गौरी कुंड के जाने के लिए। ये जो इतना प्यार से नहा रहे हैं, मतलब इतने अच्छे से नहा रहे हैं सब लोग, ये गर्म पानी से नहा रहे हैं और इतनी ठंड है। सुबह सुबह खच्चर देखिए, बड़ी नीर आ गई, इतना बोझ रख दिया इस इन पर बेचारों पर। देखिए, अगर चावल को किसी पतले कपड़े में बांधकर 10 मिनट के लिए इस पानी में रख दिया जाए तो वो चावल पक जाएंगे। तो रात को भी इतनी भीड़ है, देखिए सब महादेव के दर्शन करने के लिए बेताब हो रहे हैं। और रास्ता कुछ इस तरह के का, पहाड़ टूट कर गिरा हुआ हो, ये पहाड़ गिर गया था टूट कर, तो शायद इस कारण भी यार यात्रा रद्द कर दी हो 2 दिन के लिए। ये शायद कल ही गिरा था। ये देखिए ऊपर से बहुत संभल के चलना पड़ेगा, बहुत कीचड़ है बहुत। और इस तरफ खाई, मंदाकिनी नदी नीचे बह रही है, आराम से जाइए। तो जय हो केदार बाबा की। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग? मुझे लगता है एकदम झकास हो गए। और अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और हम केदारनाथ यात्रा करने के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ से बाकायदा उठ उठ गए हैं और ये बहुत सारे भाई लोग हैं हमारे साथ, ये सब कोलकाता के हैं, ठीक है। और अभी दोनों भाई गए हैं बैग रखने लॉकर में, कि लॉकर में बैग रख देंगे, 50 रुपये का टोकन ले लेंगे तो आते समय सुविधा होगी हमें। और यहाँ पर रख रहे थे बट टोकन वगैरह बिल्कुल नहीं मिल रहा था और 100 रुपये ले रहे थे। तो यहाँ पर लॉकर की व्यवस्था है बैग वैग रखने के लिए, तो सिर्फ एक बैग लेके जा रहे हैं हम, जो भी हमारे ज़रूरत का सामान है, एक जोड़ कपड़े, अंडरवेयर, तौलिया और जो भी खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं वो सब साथ रख ली है। और यहाँ से हम रवाना हो रहे के लिए ये गाड़ी मिलेगी जाने के लिए, 50-50 रुपये किराया लगेगा आप लोगों का सबका। और देखिए इतने भक्त लोग जा रहे हैं, सोनप्रयाग से अब हम जाएंगे, हम गौरीकुंड तक जाएंगे, तो यहाँ से 50 रुपये लगेंगे हमको। तो चलिए चलते हैं गौरीकुंड के लिए। रात भर बाहर ही ये सब सोते रहे रात भर। ये देखिए अभी भी और काफ़ी लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं, देख कितने लोग जा रहे हैं। यात्रा खोल दी गई है, ठीक है। मौसम अभी साफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मौसम की, बारिश वारिश आज ऊपर हो सकती है बारिश, बट अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी दोनों भाई आ रहे हैं, बैग रखने गए हैं लॉकर में के लिए, और हम आगे भी लाइन लगानी पड़ेगी हमें। और अंधेरा काफ़ी हो रहा है तो इस कारण मैं ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें दिखा नहीं पाऊँगा, बट रात में भी दुकानें खुली हुई है। और आपको मफलर वगैरह कुछ चाहिए, जूते वगैरह भी चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे रात को भी। तो आगे जाके हमको 1/2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमको वहाँ से शहर में गाड़ी करनी पड़ेगी, जिसे 50 रुपये लगेंगे और गौरीकुंड उतर जाएंगे। मंदाकिनी नदी कल कल करते करते बहती हुई वॉइस आ रही होगी, बस अंधेरे में दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी। ऑटकर भी आ रहे हैं दर्शन करके, और हम अब जा रहे हैं ये भाई कोलकाता से। भाई क्या नाम तुम्हारा? सेंडो। क्या बात है, अंधेरा दिख नहीं रहा पर इनने मेरा एक बैग उठा के रखा। तो भाई लोग बहुत पीछे अभी आ जाएंगे। तो यहाँ से भी गाड़ियाँ मिलती है, तो यहाँ से बुक करके रखी है कुछ लोगों ने गाड़ियाँ यहाँ से। देखिए ये यहाँ पर पुल है झूले वाला, ठीक है, उसके पास से ही यहाँ से रुद्र देवकुंड लकड़िया मांग दी गई है। गधा इसलिए होता है क्योंकि वो बोलता नहीं है और चुपचाप सहता रहता है। ये खच्चर, ठीक है, फिर भी आगे देखते हैं आगे मिलता है कि नहीं। ये कष्ट नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ें हैं, है ना। ये प्रेम है महादेव से महादेव तक का।
ये 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना बहुत मुश्किल लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्योंकि गाड़ी वाड़ी बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो फाइनली हमको एक गाड़ी मिली है जिन्होंने 100 रुपये एक व्यक्ति का चार्ज लिया है। वैसे 50 रुपये लगता है पर रात का समय है, रात को 1:30 बजे हम जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए और ये गाड़ी के अंदर से वीडियो बना रहा था। ये सब पीछे बैठे हुए हैं, सब भाई लोग पीछे बैठे हुए हैं और इनका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए जाना तो है महादेव के दर्शन करने जी हो केदार बाबा की और पहुँच चुके हैं गौरीकुंड तक। ठीक है, अब इतनी बॉलअप काफ़ी पब्लिक है यार, बहुत भीड़ है। ठीक है, रात को भी लोग बिल्कुल नहीं है, मतलब बाबा के दर्शन करना है तो उठ के आ गए हैं सब। 100-100 रुपये दे रहे हैं, रात को जाना है तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाना है तो पैदल जाइए। मतलब हम रात को जय हो केदार बाबा की। अब गाड़ी ने तो उतार दिया है तो यहाँ से गौरीकुंड तक हमें पैदल जाना है, समथिंग 500 मीटर की दूरी पर होगा। और देखिए रोड पूरा, मतलब कल बारिश हुई थी तो काफ़ी गीला है, फिसलन है और रात को भी काफ़ी भक्तगण चल रहे हैं यार। देखिए और सबने अपनी अपनी व्यवस्था कंप्लीट की हुई है, सबने रेनकोट पहन लिए हैं, ठंड के लिए टोपे पहन लिए हैं और लाठी हमेशा बैसाखी साथ में है। जय हो केदार बाबा की। ये दृश्य बहुत लुभावना लगा और ये गौरीकुंड नहीं पहुँचेंगे उसके पहले ही पूरे खच्चर वगैरह जो भी सुविधा है उसके रेट वगैरह लिखे हुए हैं और इन पतली सी गलियों से हमें गौरीकुंड तक जाना है और सामान वगैरह सब उठाया हुआ है भाइयों ने और यहाँ रात को ही दुकानें खुली है सब खाने पीने की। आपको अगर कुछ खाना पीना हो, नाश्ता वगैरह करना हो तो पूरी दुकानें खरीदिए, सब की सब शुद्ध शाकाहारी दवाइयाँ। अब मेडिकल किट अगर नहीं हो आपके पास तो दवाइयाँ वगैरह भी मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें पहले रात को ही खुल जाती है। ये तो सिर्फ गौरीकुंड मतलब जा रहे हैं तब ऐसा रोड नज़र आ रहा है हमें, अभी तो काफ़ी ठीक है, आगे देखते हैं कैसा मिलता है। ये आ गए हम गौरीकुंड, चलिए नीचे चलते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गौरीकुंड मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है यहाँ पर, उमापति महादेव, महादेव बाबा की जय हो। ये महादेव मंदिर है यहाँ पर, जय हो महादेव बाबा, दर्शन कर लीजिए आप लोग सुबह सुबह। ओम नमः शिवाय। ये केदारनाथ के बारे में पूरा लिखा हुआ है, हालांकि रात को पूरा डिटेल से दिख नहीं रहा है, क्या नहीं दिख रहा, पास करके जूम भी किया फिर भी इतना क्लियर नहीं आ रहा। और ये श्री गौरी माई मंदिर अभी फ़िलहाल अभी बंद है। ठीक है, अभी पटनी खुले है गौरी माता के वरना दर्शन हो जाते हैं। और ये जो है गौरी मैया की, इसके पास का ये देखिए, उधर भी टेंट लगा कर कुछ लोग रह रहे हैं यहाँ मंदिर में भी। ये देखिए ये माता के मंदिर के ठीक सामने ही ये टेंट लगाया और सो गए यहाँ पे। जय उमापति महादेव। उधर भी ये पूरा गौरी मंदिर का नज़ारा, मुख्य मंदिर यही है। और अब चलते हैं गौरीकुंड तब तक कुंड मार्ग, यहाँ बिल्कुल अंधेरा है। तो हम आ चुके हैं गौरीकुंड और ये रहा गौरीकुंड, सब लोग नहा रहे हैं और इस गौरीकुंड में से देखिए भाप धुआं निकल रहा है। ये पानी पूरा का पूरा गर्म पानी है। इसकी किंवदंती है के बारे में कि महादेव जब यहाँ पर तपस्या कर रहे थे तो गौरी मैया उनसे कहने के लिए आई थी कि इतना ठंडा है यहाँ पर, कुछ भी गर्म नहीं है, आप कैसे रहते हैं और मैं इतने ठंडे पानी से स्नान कैसे करूँगी। तो महादेव है। फिर महादेव ने एक ये कुंड का निर्माण कर दिया जिसमें हमेशा गर्म पानी रहेगा और फिर गौरी मैया इसमें स्नान करती रही और तब से लेकर आज तक इस कुंड में गर्म पानी है। और तो सबसे पहले हमें गौरीकुंड ही आना पड़ेगा और फिर स्नान करने के बाद ही हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्नान करते हैं। और कहते हैं कि इस कुंड में अगर 10 मिनट के लिए इस पानी में रख दिया जाए तो वो चावल पक जाएंगे और उसे खा लिया जाएगा। भवे राजा जी,
पानी बहुत सचमुच बहुत ज़्यादा ही गर्म है पानी, और ज़्यादा देर हम पानी में रुक नहीं सकते क्योंकि इतना गर्म पानी है। सिर्फ और सिर्फ एक बार स्नान करो। तो हर हर महादेव, यहाँ गौरीकुंड में हमने स्नान कर लिया है। अब यहाँ से केदारनाथ के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं। और ये भाई हमको ट्रेन में मिला था, ठीक है, और भाई यहाँ पे ही मिल गया गौरीकुंड पे। हर हर महादेव। आवाज देने वाला था पूरे। अच्छा। तो फाइनली गौरीकुंड से निकल चुके हैं जय हो केदार बाबा की, और दुकानें वगैरह तो सब आपको रास्ते में बहुत मिलेगी। और सबसे पहला पड़ाव आता है खच्चर का। अगर आपको नीचे से खच्चर लेना है तो आप ले सकते हैं। भैया खच्चर का रेट कितने का है? ऐसा तो रेट नहीं बता रहे, और ये लड़ने में बिजी है बहुत लोग, और ऐसा कच्चा रास्ता है। अभी इससे आगे तो पता नहीं कैसे आएगा। तो ये पहला पड़ाव हो गया खच्चर का। यहाँ से ही खच्चर का शुरू हो जाता है। आप घोड़े पे जाकर बैठ सकते हैं अगर आपको चलते नहीं बने तो। यहाँ पर हर जगह चेतावनी के लिए बोर्ड लगे हुए हैं। भैया क्या रेट है बताइए ना, रेट क्या है? 2500। 2500 रुपये। कितना रेट है भैया? भैया रेट कितना है बताइए ना। रेट है 2540। 2540। तो 2540 रुपये ये, और 2500, 3000, 2000 ऐसे लगेंगे अगर आप घोड़े से जाते हैं ऊपर के बैठकर। और रास्ता कुछ ऐसा है, आगे जा रहे हैं, अंधेरा काफ़ी है। इधर से नीचे से भी आने का रास्ता, खच्चर खड़े हुए हैं, और नीचे बहुत देखकर संभल कर चलना पड़ेगा। थोड़ी देर सामान। अच्छा, कितना रुपया? दो घोड़े मारे। दो घोड़ा कितना रुपया? 2540 है एक का। 2540 एक का, ठीक है। यार इतनी भीड़ है और इतना खच्चर है कि चलने की जगह ही नहीं मिलेगी आप लोगों को। तो बहुत, और नीचे भी गीला, इतना अंधेरा है और बारिश और नाली, और हे मतलब अगर आप देख कर नहीं चलेंगे ना तो आपका पैर स्लिप हो सकता है। तो एक तरफ तो खाई है और दूसरी तरफ पत्थर और खच्चर जा रहे हैं, तो खच्चर के कारण आपको रास्ता बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आराम से चलेगा, बहुत आराम से संभल कर चलना पड़ता है। और मेरे भाई लोग दोनों सामान को लादे हुए हर हर महादेव, हर महादेव, केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ते हुए। और संभल कर जाइएगा क्योंकि इस तरफ सिर्फ बैरिकेड लगे हुए, वो भी टूट गए हैं कहीं कहीं जगह। तो इस तरफ खाई भी है, इधर नीचे गिरने का भी डर है। तो संभल के चलने का क्योंकि भीड़ काफ़ी रहती है इस समय। वहाँ चेतावनी लिखी है कि पत्थर गिरने का डर है, कृपया देख कर चले। चलो, और अभी 3:15 हो रहे हैं। तो क्या है कि इतनी ज़्यादा भीड़ तो है, बट फिर भी अभी कम, थोड़ा सा भीड़ हल्की सी कम है, बट फिर भी भीड़। ऐसे ऐसे खच्चर जा रहे हैं और रास्ता बिल्कुल नहीं है चलने का। केदारनाथ 15 किलोमीटर है, जंगल घाटी 3-3.5 किलोमीटर। चलिए चलते हैं। और ये गेट आ चुका है जहाँ पर शायद रजिस्ट्रेशन की चेकिंग हो, बट इस गेट पे अभी कोई चेकिंग वगैरह नहीं हो रही है। और यहाँ से भी दुकानें वगैरह शुरू रहती, चाय या कुछ कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। ये चेक पोस्ट सिर्फ एक ही चेक पोस्ट है यहाँ पर, और आगे अब सिर्फ जंगल जहाँटी है पे ही कुछ आएगा। चलिए देखते हैं। और यहाँ पर लाइट है पर लुपझुप बन चालू हो रही है, और देख के ध्यान से चलना पड़ेगा। घोड़ा गाड़ी भी पीछे आ रही है और गड्ढे भी है, तो घोड़े तो खच्चरों तो बिल्कुल जगह ही नहीं देते हैं।
ये देखिए पास में से निकल रहा है पर दिख नहीं रहा है। ये थोड़े से थक चुके हैं, बहुत बैठ गए हैं, पर जगह जगह बैठने की व्यवस्था है, जगह का मजा ले रहे हैं। और देखिए खच्चर ऐसे जा रहे हैं तो जगह बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको चलने के लिए, आपको जगह बनानी पड़ेगी। और मैंने देखिए ये बैग, बड़ा वाला बैग भी टांग के रखा है और एक छोटा बैग भी टांग के रखा है। और मैं लगातार मैंने जैकेट पहन ली, एक रेनकोट पहना है, ये गमछा बांधा है, इतनी सारी चीज़ें, उसके बावजूद मैं इनको बोल रहा हूँ कि चलो, बट ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं बैठेंगे थोड़ी देर। बट आप लोग ध्यान से चलना यार, क्योंकि पहाड़ गिरने का डर है, मतलब पहाड़ क्या, पहाड़ टूटने का डर। ये देखिए ऐसा रास्ता है और ये थके लोग। और भाई हाँ भाई साहब, क्या है, जल्दी थक गए आप? थक गए थोड़ी, पता तो था। अच्छा कि जगह का आनंद लेते हो ऊपर जा रहे हैं। और ये देखो ये भाई लोग, क्या भाई थक गए? क्या थक गए? आँखों में अलग ही दिख रहा है थका। चलते हैं, हर हर महादेव। चलो बाबा। तो पहाड़ों के पत्थरों पर ऐसी जालियाँ बंधी है ताकि पत्थर गिरे ना नीचे। और ये जा रहे हैं खच्चर से सब लोग, इनको भी बहुत परेशानी होती है, डचक डचक गिरने का भी डर रहता है। हर हर महादेव। यहाँ पर जल पानी पीने की व्यवस्था भी है, जगह जगह बैठने की व्यवस्था भी है, ये देखे। और मेरे भाई लोग थोड़े से पीछे रह गए हैं, तो भी आ रहे हैं।